हमें समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों कोई संडे का अपहरण करेगा, लेकिन जिसने भी किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, पर कहना है वही, जिसने भी संडे का अपहरण किया होगा हमें उसे तो ढूंढना ही होगा। संडे तो है सबसे ज्यादा प्यारा, लोकप्रिय और न्यारा। हाँ, जरूर बुराई की सा सा सौदागर, सौदागर नहीं सा सा सौतान, जैसे हम सब है सा साथी। हाँ साथी होगी, राइट साथी होगी और सबका बुरा चाहती होगी और इसलिए उसने ऐसा किया होगा लाइक नेवर बिफोर। लेकिन जो भी हो हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। या यू आर राइट ब्रो, लेकिन उसके लिए हमें किसी की हेल्प लेनी हो। कहना है वही, पर प्रश्न है यही, हम किसकी हेल्प ले? हमने आज तक कभी किसी की हेल्प नहीं ली है। हाँ लेकिन अब तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना, और ऐसे ही आपातकाल के लिए मेरे पास एक मदद यंत्र है जो हमें ये बताएगा कि हमारी मदद कौन कर सकता है। यस यस, बालवीर। यस बालवीर, इसके अनुसार हमें बालवीर की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन मंडे ब्रो, हम बालवीर तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए हमें परिलोक जाना होगा। माँ मुझे माफ कीजिएगा, वो मैं भूल गया कि मुझे आपसे मिलने आना था। कोई बात नहीं बालवीर। तो माँ अब आप बताइए कि आपको मुझसे क्या जरूरी काम था? हम आपको बताते हैं बालवीर। बालवीर हमें और आपको मापरी से मिलने जाना होगा। मापरी से? लेकिन क्यों? ये तो मापरी से मिलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है रानी पर, हमें जाना कब है? कल। लेकिन हाँ बालवीर, उससे जरूरी बात ये है कि वहाँ से वापस लौटने में हमें एक हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन रानी परी, अगले संडे को तो सलोनी का जन्मदिन है, और अगर हमें वापस आने में इतना समय लग गया तो फिर मैं सलोनी का उसको मनपसंद उपहार कैसे दूंगा जिसको मैंने उसे देने का वादा किया है। हम समझते हैं बालवीर, लेकिन ये कार्य भी बहुत जरूरी है, और हम माँ परी का बुलावा कैसे टाल सकते हैं? रानी परी, हम माँ परी का बुलावा टाल नहीं सकते, लेकिन सलोनी का खास तोहफा उसके जन्मदिन से पहले तो उसे दे सकते हैं ना। ये सही रहेगा। तो ठीक है बालवीर, आप सलोनी को उनका खास तोहफा आज रात को ही दे दीजिए। ठीक है रानी परी, शुक्रिया। एक बात मेरे दिमाग में फटक रही है कि वो अंकल ने संडे को मंडे क्यों बोला। मैं बताता हूँ, गजानन अंकल के घड़ी में कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हुई होगी, वरना संडे की जगह मंडे कैसे होता। मतलब हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो सलोनी तेरा बर्थडे तो मंडे को आएगा। नहीं, मेरा बर्थडे संडे को ही है। पूरे 7 साल बाद मेरा बर्थडे संडे को आ रहा है, जिस दिन सबकी छुट्टी है। मैंने तो पूरे दिन की प्लानिंग भी बना रखी है, हम लोग घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। इसीलिए मैं एक और बार बोल देती हूँ कि मेरा बर्थडे संडे को ही है। ओके ओके ओके। बालवीर तुम यहाँ, कोई खास बात है? वैसे खास बात तो ये है कि अगले संडे सलोनी का जन्मदिन है, लेकिन सलोनी मैं तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा आज ही देना चाहता हूँ। आज? क्या हुआ सलोनी, तुम खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, लेकिन वो अगर बर्थडे का गिफ्ट
बर्थडे के दिन मिले तो ज्यादा खुशी होती है। सलोनी तुम दुखी मत हो, तुम्हें उस दिन में बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। बस रानी परी और मेरी तरफ से जो तोहफा है वो तुम्हें आज मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं दूर जाना है। और ये मेरा वादा है तुमसे सलोनी कि तुम्हें आज जो तोहफा मिलेगा वो ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और सलोनी तुम भी तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारा गिफ्ट ऐसा हो जो आज तक किसी भी बच्चे को ना मिला हो, है ना? तो सलोनी आज शाम को मैं तुम्हारा तोहफा लेकर आ जाऊंगा, और चाहो तो तुम अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो इस तोहफे का मजा उठाने के लिए। ठीक है, थैंक यू बालवीर। ये कौन सी जगह है? अरे मेरी जान की दुश्मन, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत। अरे थी क्या जरूरत यहाँ इतनी ऊंचाई पे आने की, निकल गई ना मेरी जान यहाँ पे चढ़ते चढ़ते। यही तो मैं चाहती हूँ कि बालवीर अगर यहाँ आने की कोशिश करे तो उसकी जान। ओ बालवीर है बालवीर, ये चुचुंदर तोबा तोबा नहीं जो चढ़कर आएगा। अरे बालवीर तो उड़कर आएगा मुझे बचाने के लिए। ये कोई मामूली पर्वत नहीं है, ये आसमानी पर्वत है। और इसकी ऊंचाई इतनी है कि यहाँ पर कोई उड़कर भी नहीं आ सकता। और यहाँ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सीढ़ियां। जिन्हें मैं अब गायब करने वाली हूं। और अब हम गायब होंगे। रेस परी लोक में अचानक इस तरह, सब कुछ ठीक तो है? गौर से देखिए, गौर से देखिए रानी परी, गौर से देखिए कि हम सारे डेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रोध नहीं पर कहना है वही, हम सारे डेज यहाँ नहीं आए हैं। और क्या है, बात में हमारे भाइयों के दम है। गौर से देखिए, हमारा सबसे छोटा और लाडला भाई संडे यहाँ पर कम है। हाँ, आप सिर्फ 6 डेज ही आए हैं, संडे कहाँ है? हमारे लाडले भाई संडे का अपहरण हो गया है और हम सब बहुत परेशान हैं, लाइक नेवर बिफोर। हो रही हो यहाँ से वहाँ गायब, या फिर भाग रही हो बालवीर से? क्या मतलब है, क्या करने वाली आप यहाँ? यहाँ मैं संडे को गायब करने वाली हूँ। है दूसरों को गायब करते करते कहीं तुम मत गायब हो जाना भयंकर परी। अरे वाह, रहा था सोच मैं भी यही। तबा तबा हा?
अरे परी भयंकर था बनाना इसे तो गुलाम, पर बिठाकर इसे सिंहासन पर बनाया आपने तो इसे राजा। नहीं, संडे राजा नहीं बनेगा, बल्कि ये तो जमेगा। है? जमेगा? मैं इसे इसी बर्फ में जमा दूंगी, और एक बार ये जम गया तो तीनों लोगों की कोई भी शक्ति इसे वापस नहीं ला पाएगी, और फिर ये सारे बच्चे अपने प्यारे संडे को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो बताता अभी मैं आपको कि क्यों नहीं जमा संडे। अभी हूँ लगाता मैं पता। पृथ्वी में रहने वाले एक भी निवासी को संडे याद है, संडे का अस्तित्व नहीं मिट सकता, ना वो जम सकता है ना वो पिघल सकता है, और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं संडे बच्चों को इतना प्यारा हूं कि बच्चे मुझे कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, बच्चे हो या बड़े, सबको संडे भूलना होगा। मैं एक ही साथ पृथ्वी लोक के हर इंसान के दिमाग से संडे की याद को मिटा दूंगी। तबा तबा अपना हाथ आगे करो। अजीब, तबा तबा तुम्हें इस याद खींचू छड़ी को पृथ्वी के ऊपर जाकर पृथ्वी से छुआना होगा, जिससे एक साथ सभी पृथ्वी वासियों के दिमाग से संडे की याद इस छड़ी में आ जाएगी। अच्छा, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.